तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि मैं अभी टैंक का ऊपर जो है वीडियो बना रहा हूँ, आपको अभी बता रहा हूँ कि टैंक कैसे बनाया जाता है। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये है इसका ड्राइंग, ठीक है। तो पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, ठीक है। उस सब में मैंने आपको बताया हुआ है ये टैंक कैसे बनाना है, इसका रिंग कैसे बनाना है, बेस प्लेट कैसे बनाना है। तो आज फाइनली हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये जो टॉप का जो पार्ट है, जो कॉनिकल पार्ट है, वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसका ये यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, थोड़ा सा नीचे का डाया है 200 और ऊपर का है 50, और ये जो हमारा हाइट है ये है 100, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप जो पिछले वीडियोज को देख रहे हैं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरीके से बनाना है, जो कॉनिकल पार्ट है, जो कोन है, ये इसको कैसे बनाना है। तो चलिए देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह बताना चाहता हूँ कि चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाए। तो चलिए देखते हैं। तो कोन बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कोन का टॉप डाई आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, और एक कोन का बॉटम डाया, ठीक है। और थिकनेस आपको पता होना चाहिए कितना थिकनेस में बन रहा है, और कोन का हाइट, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको जो है प्रोसीजर वाइज बताऊंगा ताकि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आए। तो टॉप कोन का जो टॉप डाया है वो है हमारा 50 mm, और कोन का बॉटम डाया वो है 200 mm, और थिकनेस तो हमारा 1 mm है, ठीक है। ऐसे 10 mm मैंने उसमें ड्राइंग में लिखा है, लेकिन मैं अभी आपको प्रैक्टिकली जब करके दिखाऊंगा तो चूंकि हमारा पेपर 1 mm का है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 ही पकड़ रहा हूँ। और उसके बाद हाइट है इसका हमारा 100, ठीक है। यहाँ पे मैं कोन ड्रॉ भी कर देता हूँ ऐसे, ये है आपका 200, ये है 50, और ये जो इसका हाइट है ये है 100 mm, और इसका जो थिकनेस है वो है 1 mm, ओके। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है मैं अभी इसका शॉर्टकट तरीका जो है बताऊंगा बनाने के लिए, जिससे जो है कोई भी बना सकता है, कोई भी बंदा चाहे तो आसानी से बना सकता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि इसका जो पूरा डिटेल, जो इसका थ्योरी होता है, ठीक है, फॉर्मूलाज के साथ, वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप उसके लिए जो है थोड़ा सा वेट कीजिए। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं देखूंगा कि कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, उसके बाद मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में जो है आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिससे कोई भी आसानी से बना सके, ठीक है। इसमें आपको इतना कैलकुलेशन और लफड़ा करने की बात नहीं है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, वरना फिर समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, जब भी कोन बनाया जाता है तो उसको जो है कभी भी जो डाया है उसका लेआउट करते समय, वो जो बड़ा डाया होता है वो ऊपर रखा जाता है और छोटा वाला नीचे रखा जाता है, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे देख सकते हैं 200 जो बड़ा डाया है वो हम ऊपर रख देंगे और 50 जो उसको नीचे रख देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये देख सकते हैं 200 हो गया। यहाँ पे मैं सीधा लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं ये एक 200 का लाइन हो गया हमारा। अब क्या करना है, अब नीचे में आपको जो इसका 50 mm का है वो आपको लेआउट करना है। तो उसको लेआउट करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको इसका सेंटर मारना होगा एक, बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है इसका राइट एंगल निकालना है, ठीक है। तो राइट एंगल निकालेंगे तो ये लाइन जो है बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो अगर आपको पता नहीं कि राइट एंगल कैसे निकाला जाता है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक पॉपअप मिलेगा,
इस पे क्लिक करके आप जो है वीडियो को देख सकते हैं कि राइट एंगल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे हमारे पास देखिए ये बिल्कुल राइट एंगल की तरह ही है, ये वाला लाइन ऐसे बिल्कुल सीधा है, तो यहाँ से हम ऐसे करके खींच सकते हैं। तो ये कितना है हमारा 100 mm, देख सकते हैं। आप यहाँ पे राइट एंगल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन राइट एंगल जो है छोटा अगर है तो ठीक है, अगर बड़ा है तो बड़ा के लिए आप राइट एंगल यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल उतना बड़ा तो होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे में भी राइट एंगल में आपको 50 mm का मार देना है। ठीक है, तो ये हो गया नीचे का 50 mm। अब आपको क्या करना है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, लेआउट करना है एक 200 का और एक 50 mm का। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल निकालना आपको आना चाहिए, बस इतना ही और कुछ नहीं। उसके बाद आपको क्या कर देना है, ये लाइन से ये लाइन आपको मिला देना है। ठीक है, ऐसे सेम आपको इधर भी ऐसे ही करना है। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट में मैंने इसको मिला दिया। अब क्या करना है आपको, डिवाइडर से आपको ऐसे घुमा देना है। ठीक है, ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जो है इसमें डिवाइडर से घुमा दिया। ठीक है, तो डिवाइडर कैसे यूज किया जाता है अगर आपको पता नहीं है तो आप जाके वीडियोस देख सकते हैं, लिंक आपको यहीं पे मिल जाएगा अभी। ठीक है, बाद में आप जो है कॉर्नर पे क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, ऊपर का होने के बाद सेम आपको नीचे का भी ऐसा ही कर देना है। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है ध्यान देना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, 200 का आपको CF निकालना है, मतलब 200 × π, पाई करेंगे, पाई का वैल्यू होता है 3.142, तो इसको जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 628.4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब इसको सेंटर लाइन में डिवाइड करना है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका CF हो गया। ठीक है, तो CF को डिवाइड जितना भी आपको सेंटर लाइन में जो है इसको ये करना है, बनाना है, उतना में आपको डिवाइड कर देना है। तो 628 × चलिए मैं 8 कर देता हूँ। ठीक है, 628.4 × 8, तो इसका आंसर आ गया 78 mm। ठीक है, देखिए यहाँ से 78 mm सेट करके और आपको इसमें मार देना है। ठीक है, इस तरीके से मैं दिखाता हूँ आपको, इस लाइन का बिल्कुल आपको सीधा ले लेना है, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है इसका सेंटर, और फिर यहीं से आपको ले लेना है 78 78 करके, 4 जगह इधर और 4 जगह उधर, मतलब टोटल 8 2 3 और 1 यहाँ पे आ रहा है 4, हो गया। और सेम इधर भी लेना है आपको, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, ठीक है, तो मैंने इसको जो है थोड़ा बढ़ा दिया। अब आपको क्या करना है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको ऐसे मिलाना है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने अभी 8 सेंटर लाइन में डिवाइड किया, तो इसको जो अगर आप ज्यादा रखेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। ठीक है, आपका जो डाया है वो जो है आपको बराबर मिल जाएगा। ठीक है, कम कभी भी आप नहीं रखें, कभी आप ज्यादा ही रखने की कोशिश करें, जैसे 12 हो गया, 16 हो गया, तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से मिला देना है इधर का, सेम आपको यहाँ पे ऐसे मैच करना है, और एक यहाँ पे। ठीक है, और इसको ऐसे मिला देना है। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा रेडी। चलिए अब देखते हैं कटिंग करके और इसको मिला के देखते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने इसको जो कटिंग कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ मिला के बराबर आता है नहीं। और फ्रेंड्स मैं आपको कुछ जो है इम्पोर्टेंट बात अभी बताऊंगा, वो एक बार जरूर जो है सुन लीजिएगा। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं इसको मिला के देखता हूँ। तो
तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारा जो कोन है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, एक बार मैं आपको चेक भी करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए लगभग 50 mm आ रहा है मेरा इधर का। ठीक है, और इधर का था हमारा 200, तो ये देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा 200 है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मैंने बताया था कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि फ्रेंड जब भी आप इस तरीके का अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, इस तरीके का अगर आपको जॉब मिला है, तो आप जो है डायरेक्ट ऐसा मत बनाने लग जाइए। ठीक है, पहले तो आप किसी जानकार आदमी से पूछ लीजिए, सलाह ले लीजिए कि कैसे बनाना है। अगर आपने ऐसा नहीं बनाया तो, अगर आपने बनाया तब तो अच्छी बात है, बनाइए। क्योंकि इसमें आपको ये देखना होता कि मान लीजिए मैंने इस तरीके से बताया प्लेट कटिंग करने का, आप जो इस तरीके से कटिंग कर देंगे और आपको पता नहीं रहेगा कि वो रोलिंग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी देखने वाली बात होती है कि ये मशीन रोलिंग मशीन जो होता है उसमें रोल होगा या नहीं। तो इसलिए आप जो है जरूर सुपरवाइजर या फिर जो भी है उससे जो है आप एक बार जरूर इसके बारे में पूछ लीजिए। तो आने वाले वीडियोज में हम आपको बताएंगे कि इसका जो फॉर्मूला है और जो इसका थ्योरी है उसके बारे में। ये तो शॉर्टकट तरीका था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।